सिंघम अगेन का लगभग शूटिंग कंप्लीट होने की एक न्यूज़ यहाँ पे देखने को जो मिल रही है, जो रोहित शेट्टी ने यहाँ पे एक वीडियो बनाया, वीडियो नहीं, एक सिंघम का यानी कि अजय देवगन का जो एक पोस्टर अभी अपलोड किया है, उसमें ये लिखा है कि सिंघम कमिंग सुन। और कुछ लोगों का ये कहना है कि क्या सिंघम जल्दी आ रही है क्या फिल्म, कि कमिंग सुन लिखा है। तो नहीं भाई, क्या है ये लिखने का एक स्टाइल रहता है, मतलब ठीक है भाई जल्दी भी आने वाली होती है तो होता है वैसा, लेकिन नहीं हो रही है रिलीज डेट चेंज, वो 15 नवंबर अभी तक बोला जा रहा है वही है। अब कमिंग सून मतलब देखो ना भाई, आज है शायद कौन सा, आज मई मंथ है ना ये, बराबर है मई जून में टीजर, या नहीं टीजर इतने जल्दी तो नहीं आएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। यार वो एक बोलने का ढंग होता है, स्टाइल होता है ये, कोई अगर आपको ये लग रहा है कि ये 15 अगस्त को आ रही है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑफिशियली 15 अगस्त को नहीं आ रही, अगस्त में आ ही नहीं रही है, ये कंफर्म क्लियर हो चुका है। मतलब रोहित शेट्टी अगर कोई डेट वापस चेंज करना भी चाहता होगा तो उसको अनाउंस करना पड़ेगा, पर वो 15 अगस्त नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है, ये कंफर्म न्यूज़ है, फिल्म तैयार नहीं थी। तो वो जो बोल रहे कि भाई पुष्पा की वजह, जो भी होगा बात ये है कि चाहे पुष्पा की वजह से बोलना है तो बोल लो, पर नहीं आ रही है ये कंफर्म। अब आप बोलोगे फिर कमिंग सुन लिखा है, भी हो सकता है सितंबर में आए, अभी वैसा कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन कि अगर देखो कमिंग सुन वो लिखने का एक स्टाइल रहता है, कभी कभी आपने देखा होगा कोई टीजर आता है कमिंग सुन लिख के बाद में कभी ट्रेलर आता ही नहीं है, या फिर एक साल बाद एकदम दिख जाता है, ऐसा कभी कभी कुछ वेब सीरीज़ के मामले में होता है। तो कमिंग सुन यानी कि जल्द ही आएगा, कब आएगा नहीं पता। एक वो एक जैसे टीवी इंडस्ट्री मूवी इंडस्ट्री में एक लिखने का स्टाइल है वो, तो टेंशन ना लो। जो लोगों को लग रहा है कि ये क्लैश हो रहा, कुछ क्लैश वैश नहीं हो रहा है अभी, इनफैक्ट भूल भुलैया से भी क्लैश नहीं होने वाला है, वो फिल्म 12 दिन बाद आ रही है भूल भुलैया के। रेड 2 की जो डेट थी वो शिफ्ट हुई है, वो अभी पता नहीं कब आएगी, उसका रिलीज डेट आना बाकी है, लेकिन उसकी रिलीज डेट इन लोगों ने सिंघम अगेन को दे दिए। तो आप 15 नवंबर पकड़ो। पोस्टर फाड़ हुए भाई अजय देवगन का लुक, कुछ लोगों का कहना है भाई अजय देवगन का जो एक स्टाइल है स्वैग है वो 2014 जैसा नहीं है। भाई मैं एक बात प्रैक्टिकली बोलूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा टेंशन वाली भी बात है। आप बोल रहे हो, कुछ लोग बोल रहे हो कि भाई वो बॉडी नहीं है, भाई आप ये भी समझो यार, कभी कभी ना थोड़ा सा एज फैक्टर भी मैटर करता है। ये मत बोलो ना कि उन्होंने एक्सरसाइज की या नहीं, क्या पता उनकी तबीयत ठीक भी नहीं हो, फिर भी शूटिंग कंटिन्यू कर रहे हैं ना वो, और जैसे बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए वैसे तो है। उल्टा मुझे ना एक टेंशन वाइज क्या लग रहा है, मान आपको तो वो लग रहा है, मुझे तो तबीयत स्लाइट ख़राब लग रही है। ख़राब लगने में मतलब वीक लगने में अलग वाली, और ये थोड़ा जिम ना करने में फ़र्क होता है भाई, जिम करके भी वीक लगना तबीयत, इट्स लाइक एज फैक्टर। पर एज दिख नहीं रहा है वो, ही इज़ वेरी नाइस नो डाउट, बट एक टेंशन वाली वो वाली बात उल्टा पकड़ लो। ये मत बोलो कि एक्सरसाइज नहीं की जो 2-3 लोग बोले थे, ऐसा नहीं है भाई, बात को समझो। सो या मुझे तो टेंशन लग रहा है, बट वेरी नाइस, ही इज़ वेरी नाइस। वहाँ पे जो उनसे मिले वो जवानों से बहुत अच्छा लगा, पोस्टर तो फाड़ू है, और पहले मूवी तो आने दो, आपको पता चलेगा सिंघम का स्वैग आज भी वैसा ही है, वो तो आपको ऐसा लगने लगा है कि भाई अभी वो फॉर्म में नहीं है, तो भाई वैसा नहीं है, जब तक फिल्म आती नहीं है तब तक कोई कुछ नहीं बोल सकता। एक बार टीजर आने दो, बाद में दिख जाएगा कि सिंघम में वो 14 वाला दम आज भी है, इनफैक्ट ज़्यादा है।